हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ अपूर्वा नाइक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। मैंने पिछला एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें हमने 21 के टेक्निक्स के PYQs कर दिए थे। इस वीडियो में हम इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटीज़ के PYQs ख़त्म करेंगे। अलॉन्ग विद दैट, अगर इस वीडियोज़ में अगर आपको लैंग्वेज से प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मराठी में ये सारी चीज़ें आपको समझाऊँ, तो आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे बता सकते हैं। अगर कोई वेरिएशंस, अगर कोई इम्प्रूवमेंट मैं अपने वीडियोस में करूँ ऐसा आपको लग रहा है, तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Let's see our first question. Which of the following statement for genetic drift is false? So genetic drift के कुछ statements यहाँ पे दिए गए हैं और इनमें से पूछा गया है कि कौन सा statement false है। तो पहले हम statement पढ़ लेते हैं। Genetic drift can be cause allelic frequency to the change at random. Genetic drift can lead to the richness in genetic variation within a population. Genetic drift can be cause harmful allele to become fixed, and genetic drift affect allelic frequency stronger in small population. तो पहले हम genetic drift क्या है ये हम समझ लेते हैं। अगर हम इस population को देखें तो ये two types of population, अगर हम देखें parental population जिसमें two types of genes present है, एक purple color से दिखाई गई है और एक red color से दिखाई गई है। अगर हम ऐसे कहें तो इसमें ये थोड़ी सी पॉपुलेशन माइग्रेट कर गई और सेपरेट हो गई पैरेंटल पॉपुलेशन से। अगर वो सेपरेट हो गई तो इसमें रेड कलर की पॉपुलेशन का नंबर जो है वो ज़्यादा है, और जो पर्पल है, पर्पल पॉपुलेशन जिसमें अलग टाइप के जीन्स वो कैरी कर रहे हैं, वो कम है। अगर हम कहें कि इसमें जब मेटिंग हो जाएंगी तो पर्पल कलर के जीन का नंबर बढ़ गया और रेड अलील जो है या रेड कलर के जो जीन्स है वो इस पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो गए। तो जेनेटिक डिफ मतलब क्या? अगर हमारी जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जीन्स के कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है, अगर किसी भी कारण, अगर हम ऐसे कहें तो जेनेटिक डिफ टू टाइप्स में डिवाइड की जाती है, एक फाउंडर्स इफेक्ट नाम से और एक बॉटल नेक से। ठीक है, अगर हम बॉटल नेक कह रहे हैं तो पॉपुलेशन का नंबर कम हो जाता है अगर वो फायर से हो, अर्थक्वेक से हो या फिर किसी भी नेचुरल चीज़ों से, अगर उसके पॉपुलेशन का नंबर कम हो रहा है तो हम इसे बॉटल नेक कहेंगे। अगर पॉपुलेशन माइग्रेट कर जा रही है तो उसे फाउंडर्स इफेक्ट कहेंगे। सो इस टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट प्रेजेंट होते हैं। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब क्या? बिकॉज ऑफ एनी थिंग, पॉपुलेशन में जो डिफरेंट जीन्स है उस जीन्स में जो वेरिएशन है वो अगर कम हो रहा है तो इसे हम जेनेटिक डिफ्ट कहेंगे। अब जेनेटिक डिफ्ट में अगर हम कहें तो यहाँ पे पॉपुलेशन का नंबर कम होगा तो हमें जेनेटिक डिफ्ट जो हो रहा है उसका अफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? अगर हम पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी लेंगे, इससे भी बड़ी अगर हो पॉपुलेशन, तो उसमें कुछ ना कुछ अलील्स वहाँ पे बच जाएंगे या जीन्स बच जाएंगे, तो इतना ज़्यादा अफेक्ट हमें उस पॉपुलेशन में नहीं दिखेगा। अगर पॉपुलेशन स्मॉल हो तो जो ड्रिफ्ट है तो वो ज़्यादा दिखेगा। इसीलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो अफेक्ट है वो स्मॉल पॉपुलेशन में ज़्यादा दिखाई देता है, ऐसा हम कहते हैं। यहाँ देखें तो जेनेटिक डिफ कैन कॉज एलीलिक फ्रीक्वेंसी टू चेंज एट रैंडम। सो ऑफकोर्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जेनेटिक डिफ के कारण एलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है। जेनेटिक डिफ कैन लीड टू द रिचनेस इन जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ पॉपुलेशन। सो जेनेटिक डिफ के कारण किसी भी पॉपुलेशन में रिचनेस तो नहीं आती। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग है। जेनेटिक डिफ कैन कॉज हार्मफुल एलील टू बी फिक्स्ड। ऑफकोर्स हार्मफुल एलील टू बी फिक्स्ड बिकॉज बहुत कम वेरिएशंस अवेलेबल होते हैं। अगर हम कहें तो दो ही उसमें अलील्स अवेलेबल हो तो दो ही अलील्स में कॉम्बिनेशंस बनेंगे और उससे जो हार्मफुल अलील है उसको एक्सप्रेस करने का चांस मिलेगा।
सो इसीलिए हार्मफुल एलील फिक्स होता है। एलील फ्रीक्वेंसी इज स्ट्रॉन्गर इन स्मॉल पॉपुलेशन, जैसे कि मैंने कहा है जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो स्मॉल पॉपुलेशन में ज़्यादा दिखता है एज़ कम्पेयर टू द लार्ज पॉपुलेशन। सो इसका आंसर हो गया बी। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट फॉल्स स्टेटमेंट हमें पूछा है, इसीलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट में रिचनेस कभी नहीं बढ़ा था, इसीलिए इसका आंसर हो गया बी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है व्हेन द टैक्सोन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन देन इट्स कॉल्ड ट्री। टैक्सोन इज पर्टिकुलर एरिया पे रेस्ट्रिक्टेड हो रहा है या जियोग्राफिकल रीजन पे मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम किसी भी प्लांट को अगर देखें तो वो प्लांट उसी जगह पे मिलेगी, बाकी कहीं नहीं मिलेगी, ऐसे टैक्सोन को क्या कहते हैं। तो हम इजीली ऐसे टैक्सोन को एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं क्योंकि वो वही जगह पे मिल रही है, इसलिए हम इसे एंडेमिक कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑपरिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्रिमेटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। सो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्रिमेटिव एटमॉस्फेयर में कौन सी चीज़ें प्रेजेंट थी और कौन सी चीज़ें प्रेजेंट नहीं थी, ये हमें पता होना चाहिए। नहीं थी या हमें पूछा है, सो कौन सी चीज़ें प्रेजेंट नहीं थी, तो मीथेन तो बिल्कुल था, हाइड्रोजन भी था और वाटर भी था, ऑक्सीजन पहले प्रेजेंट नहीं था, अनएरोबिक एनवायरनमेंट अगर हम देखें तो हमें पता है पहले तो अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स ही बने थे और अनएरोबिक एनवायरनमेंट ही पहले प्रेजेंट था। ये सारी चीज़ें वाटर में प्रेजेंट थी, मीथेन प्रेजेंट था, वाटर प्रेजेंट था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था और ये सारी चीज़ें, अमोनिया भी प्रेजेंट था, ये सारी चीज़ें मिलकर ही प्रिमेटिव जो सूप बना था जिसमें ग्लाइसिन ये प्रिमेटिव अमीनो एसिड बना था। सो दिस इज ये थ्योरी उपाय ने दी थी कि प्रिमेटिव अर्थ में क्या क्या था और कैसे सारी चीज़ें बनती गई, स्मॉल स्मॉल अमीनो एसिड्स बनते गए, उससे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड्स बने, फिर कैसे डीएनए बना, आरएनए बना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो उन्होंने दी थी। तो उस थ्योरी में ये भी उन्होंने बताया था कि प्रिमेटिव अर्थ में ऑक्सीजन नहीं था और ये सारी चीज़ें जो थी वो एनएरोबिक्स वे में बनी थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो लाइफ इज सेड टू बी हैव ओरिजिनेटेड एज कोवा सीवेट्स दैट फॉलोड बाय डीएनए रेडिएशंस पॉलीमराइजेशन एग्रीगेशंस एंड हिट्स। सो व्हाट इज़ अ कोवा सीवेट्स। द फर्स्ट थिंग एज जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि ये सारी चीज़ें प्रिमेटिव लाइफ में थी और जिससे ग्लाइसिन, फिर कुछ प्रोटीन्स बने, फिर डीएनए बना, फिर आरएनए बना। तो ये सारी चीज़ें एक सूप में, जैसे हम वाटर कह रहे हैं, उस वाटर में प्रेजेंट थी और ऐसे ही वाटर में ये सारी चीज़ें जब एग्रीगेट होने लगी और एक साथ आने लगी बिकॉज ऑफ सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जिसे हम कहने लगे कोवा सीवेट्स। ठीक है, ये कोवा सीवेट्स बने कैसे, दे वेयर फॉर्म्ड बाय। एक्चुअली जब चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल जाती है, जैसे हम कहेंगे एग्रीगेट हो जाती है और फिर एक सेपरेट मॉलिक्यूल जैसे बन जाती है जिसे हम कोवा सीवेट्स कहेंगे। तो एक जैसे हम कहेंगे वाटर है और इस वाटर में ये सारी चीज़ें अलग अलग तरह से बन रही थी, ये सारी चीज़ें जब एक दूसरे के साथ एक पॉकेट में बंद हो गई जिसे हम कहेंगे कोवा सीवेट्स, तो वो कैसे बनी। तो इसका सिंपल वे है, वो पॉलीमराइज हुई और एग्रीगेट हो गया और एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ जुड़ गए, एग्रीगेट हो गए। सो इसका आंसर है पॉलीमराइजेशन एंड एग्रीगेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट कि लाइफ इज सेट टू बी हैव ओरिजिनेटेड एज कोवा सीवेट्स एंड दैट इज फॉर्म्ड बाय बिकॉज ऑफ द पॉलीमराइजेशन एंड एग्रीगेशन। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब यह हाइब्रिड जोन इज अ रीजन वेयर, व्हाट इज एग्जैक्टली द हाइब्रिड जोन इज। सो अगर हम हाइब्रिड जोन को देखें तो अगर ये हम एक लैंड कंसिडर करें और यहाँ पे यहाँ की भी डाइवर्सिटी है और यहाँ के भी कुछ स्पेसीज है और यहाँ के भी स्पेसीज है, जे ये दोनों जहाँ एक दूसरे के साथ यहाँ पे है, जिसे हम कहेंगे हाइब्रिड जोन। ठीक है, सो
हाइब्रिड जोन कहाँ बनता है? सो हाइब्रिड जोन इज रीजन वेयर हाइब्रिड कैन डेवलप जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन मीट एंड इंटरब्रीड इन सम एक्सटेंट और जेनेटिकली सिमिलर पॉपुलेशन मीट बट कैन नॉट इंटरब्रीड द पॉपुलेशन ऑफ द सेम जियोग्राफिकल रीजन मीट एंड एक्सटेंट द जीन। एक्चुअली अगर हम हाइब्रिड जोन को कहें तो हाइब्रिड जोन ऐसा रीजन है जहाँ पे डिस्टिंक्ट पॉपुलेशंस मीट होती है और वो इंटरब्रीड करके रिच पॉपुलेशन जेनेटिकली रिच पॉपुलेशन को बनाती है। अगर हम यहाँ के एरिया को और यहाँ के एरिया को कंपेयर करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा जेनेटिकली रिच एरिया या रिच स्पेसीज पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू दिस टू स्पेसीज या दिस टू एरियाज। सो इसीलिए जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशंस मीट एंड इंटरब्रीड टू द सम एक्सटेंट ये होता है हाइब्रिड जोन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। सो बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर इंक्लूड द नेम ऑफ द प्लांट इन अ टू वर्ड्स दैट डिज़ाइन। सो ये तो हमें बिल्कुल ही पता है, बहुत बचपन से ये करते आ रहे हैं। सो फैमिली एंड जेनेरिक नेम, सो ये तो नहीं है। जेनेरिक नेम एंड स्पेसीज नेम, तो ये भी नहीं है। जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिटेट, सो यस दिस इज़ अ जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिटेट ही हम लेते हैं। सो पहला तो जेनेरिक नेम होता है, अगर हम ई कोलाई को देखें तो पहला तो जेनेरिक नेम है एंड ये स्पेसिफिक एपिटेट एंड लास्ट वन इज स्पेसिफिक नेम एंड वैरिटल नेम एपिटेट, तो ये भी नहीं है। सो इसका आंसर हो जाएगा सी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो सीजनल एक्टिविटी ऑफ कैम्ब्रियम लीड्स टू, सो सीजनल एक्टिविटी ऑफ कैम्ब्रियम लीड्स टू द रिंग पोरस वुड। सो इसका आंसर रिंग पोरस वुड ये है, ठीक है। इसको क्या एक्सप्लेन करना है ये तो हमें पता है। इसके बाद है लाइकेन रोशेल्ला इज अ सोर्स ऑफ, सो रोशेल्ला इज अ सोर्स ऑफ डाई, ये यहाँ पे मैंने फिगर दिया है। अलॉन्ग विद दैट ये लिटमस पेपर का भी एक सोर्स है, दैट इज़ लिटमस। सो ये डाई को भी बनाता है और इसी से हम लिटमस भी बनाते हैं। सो दिस इज़ अ सोर्स ऑफ दिस लाइकेन, ओके। सो द कैजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द राइस ब्लास्ट डिसीज, राइस ब्लास्ट डिसीज कौन कॉज करता है? सो दिस इज़ अ राइस ब्लास्ट डिसीज है कि राइस के जो लीफ है उस पर ऐसे स्पॉट आ जाता है जिसे हम राइस ब्लास्ट डिसीज कहते हैं। तो वो कौन कॉज करता है? तो वो कॉज करता है मैग्ना पॉटी ग्लासिया, ठीक है। सो ये इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। द सेंटर ओरिजिन ऑफ पोटैटो इज, सो सेंटर ओरिजिन ऑफ पोटैटो इज अ पेरू। सो पी पी से आप याद रख सकते हैं, पी फॉर पेरू एंड पी फॉर पोटैटो, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए सेडिमेंटरी रिसाइकल बिकॉज इट्स अ रिजर्वायर, इट इज़ अ रिजर्वायर इज सेडिमेंट्री रॉक। सो सेडिमेंट्री साइकिल अगर हम कहें एंड रॉक यहाँ पे आ रहा है तो ईजिली हम कार्बन साइकिल पे जाते हैं, राइट। सो हमें पता है सेडिमेंट्री रॉक जिसे हम कहते हैं दैट इज़ अ कार्बन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हैज़ डेवलप्ड बाय, सो सिम्बायोटिक मीन्स बोथ आर लिविंग टुगेदर एंड दे आर हेल्पिंग टुगेदर, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को हेल्प होती है अगर वो दोनों एक साथ रह रहे हैं तो। तो ऐसे जो रिलेशनशिप है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो कैसे डेवलप्ड होती है? अगर हमें एग्रोबैक्टीरियम का एग्जांपल पता है या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी अगर एग्जांपल पता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये दोनों प्लांट्स को भी फ़ायदा देते हैं, अलॉन्ग विद दैट ऑर्गेनिज्म भी खुद का फ़ायदा कर लेते हैं। सो ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप होती है? तो हमें पता है कोइवोल्यूशन से। कोइवोल्यूशन मीन्स दोनों अगर एक साथ इवॉल्व हो रहे हैं, अगर वो बैक्टीरिया कुछ थोड़ा सा चेंज खुद में कर रहे हैं अलॉन्ग विद दैट प्लांट भी उसके साथ चेंज हो रहा है, तब ये रिलेशंस क्या होगी आगे बढ़ पाएगी, जिसे हम कहेंगे कोइवोल्यूशन। अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अगर करनी है या आगे बढ़ानी है तो उन्हें क्या करना होगा, दोनों को ही एक साथ इवॉल्व होना पड़ेगा। सो दैट इज़ थ्रू अ कोइवोल्यूशन हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसे आगे है द लेक सक्सेशन द स्टेजेस आर, अगर हम लेक सक्सेशन को देखें
तो उसके अलग अलग स्टेजेस हैं। तो पहले कौन सी स्टेज थी, फिर कौन सी हुई, और फिर उसके आगे कौन सी स्टेज होती है, ये हमें यहाँ पे देखनी है। सो पहले तो ये अगर हम नीचे की फिगर्स देखें तो ये है ओलिगोट्रोपिक, मेसोट्रोपिक एंड यूट्रोपिक। हमें पता है यूट्रोपिक लेक मीन्स जहाँ पे फॉस्फोरस एंड सल्फर का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, उस लेक को हम कहेंगे यूट्रोपिक, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स रहेंगे और ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, इसे हम कहेंगे यूट्रोपिक। तो हमें यह पता है कि ये जो यूट्रोपिक स्टेज है ये तो सबसे लास्ट हमें आने वाली है। ओलिगोट्रोपिक मीन्स ऐसी जो लेक जो बिल्कुल जिसमें बहुत कम ऑर्गेनिजम्स है, जहाँ पे किसी अमाउंट में प्लांट का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा कम होता है, इस लेक को हम कहेंगे ओलिगोट्रोपिक लेक। और मिडल में कहेंगे तो इन दोनों का जो मिडल है, जहाँ पे थोड़े से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं होंगे, सो दिस कहेंगे। तो इसकी स्टेजेस क्या होगी, तो पहले ओलिगोट्रोपिक, फिर मेसोट्रोपिक एंड फिर यूट्रोपिक। अगर हम देखें तो ई मतलब सबसे लास्ट हम कह सकते हैं, ई मतलब सबसे ज़्यादा गंदा लेक। उसके बाद अगर ऑसम कह रहे हैं तो ओलिगोट्रोपिक, और मिडल कहेंगे तो मेसोट्रोपिक। इसको याद रखने का तरीका अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं ओ मतलब ऑसम, मी मतलब मिडिल एंड ई मतलब सबसे गंदा। सो इसका आंसर हो जाएगा ए। आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय। पहले तो कैरिंग कैपेसिटी हम के से, स्मॉल के से दिखाते हैं। अगर हम कैरिंग कैपेसिटी को कहें तो कैरिंग कैपेसिटी मीन्स व्हाट। कैरिंग कैपेसिटी मीन्स ऐसा एरिया जिसमें कितने सारे ऑर्गेनिजम्स या कितने सारे एनिमल्स रह सकते हैं, जिसमें उस एरिया में कितना फूड, कितना वाटर, कितना सारा ऐसा अवेलेबल है। जैसे कि हम कहें हमारे घर में कितना सामान है जिससे हम कितने सारे लोगों को खाना दे सकते हैं। सो जितना खाना हमारे यहाँ अवेलेबल है उसे हम कहेंगे कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अगर हम एक हॉस्टल का रूम देखें तो हॉस्टल के रूम में एक रूम में चार लोग रह सकते हैं, मतलब चार उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा वो रहने के लिए उस रूम में जगह ही नहीं है। तो सेम वे लाइक वे दैट अगर हम किसी एरिया को कंसिडर करें तो उस एरिया में कितना फूड अवेलेबल है, कितना वाटर अवेलेबल है, कितनी जगह अवेलेबल है जिसके कारण वो कितने लोगों को खुद में समा सकता है, वो हो गई उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी। अगर हम यहाँ पर देखें तो कैरिंग कैपेसिटी हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से डिटरमाइन कर सकते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, अगर हम देखें तो जो प्लांट है वो सन की एनर्जी यूज़ करके फूड बनाता है, उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कितनी एनर्जी यूज़ करके कितना कार्बन प्लांट फिक्स कर रहा है, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो उस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से हम किसी भी एरिया की कैरिंग कैपेसिटी को बता सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। इंक्लूसिव फिटनेस इज मेजर ऑफ। पहले तो इंक्लूसिव फिटनेस मतलब क्या, यह अगर हम इंक्लूसिव फिटनेस के बारे में देखें तो इंक्लूसिव फिटनेस मतलब क्या, तो पहले तो फिटनेस मतलब तो हमें पता है, इंक्लूसिव फिटनेस मतलब क्या, तो बहुत सारे एनिमल्स में क्या होता है, वो अपने एंड अपने रिलेटिव्स को बचाने के लिए खुद का जो जीव है या खुद का जो जीवन है वो दाव पे लगाते हैं, और अपने रिलेटिव्स के जीन्स को बचाते हैं, मतलब वो क्या जीन्स को बचाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें तो जो स्क्विरल्स होती है, सो स्क्विरल्स का एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें से दो तीन स्क्विरल्स क्या करते हैं, देखते हैं कि कोई आ नहीं रहा है, मतलब कोई शिकार आ रहा है क्या, कोई आ रहा है क्या, तो वो अपनी जीन्स को एंड अपने रिलेटिव्स के जीन्स को प्रोटेक्ट कर रही है और अपना जीवन जो है वो दाव पे लगा रही है।
अगर यहाँ पे दो अगर हम कहें तो दो जीन्स है और यहाँ पे इतने सारे लोग्स हैं, अगर ये दो जीन्स या ये दो लोग भी मर जाए तो बाकी सारे जो लोग हैं वो बच जाएंगे। ये सारी जो प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव फिटनेस। सो इंक्लूसिव फिटनेस यही होती है कि दैट इज़ अ रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेटिव्स। रिलेटिव्स भी इसमें आ जाते हैं क्योंकि वो रिलेटिव्स के भी रिलेटिव्स को भी बचाने की कोशिश करते हैं, अलॉन्ग विद दैट देयर ओन चाइल्ड को भी बचाते हैं। इसलिए इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स रिलेटिव, दैट्स कॉल्ड एज ए इंक्लूसिव फिटनेस। ठीक है, द ग्रुप विच आर इवॉल्व फ्रॉम मोर देन वन एंसेस्टर इज नोन एज। अगर हम इस फिगर को देखें तो मोर देन वन एंसेस्टर अगर हम देखें तो इसका एंसेस्टर ये है और इसका एंसेस्टर ये है, दो अलग अलग एंसेस्टर से एक ग्रुप बन रहा है, इसे हम कहेंगे पॉलीफाइलेटिक। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको मोनोफाइलेटिक क्या है वो भी बता देती हूँ। अगर ये एक एंसेस्टर है और ये पूरा ग्रुप अगर हम एक मान के चले तो इसे हम कहेंगे मोनोफाइलेटिक। अलॉन्ग विद दैट अगर हम यहाँ देखें तो ये एक एंसेस्टर है और ये एंसेस्टर से ये सारा ग्रुप बन रहा है तो इसे हम कहेंगे मोनोफाइलेटिक। अगर हम किसी को पराया कर दे रहे हैं, मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो ये सारे एक ग्रुप में आने चाहिए लेकिन यहाँ पे इनको पराया कर हमने सिर्फ इनको एक ग्रुप में ले लिया तो इसे हम कहेंगे पैराफाइलेटिक। सो थ्री ग्रुप्स होते हैं, अगर हम एंसेस्टर के पूरे ग्रुप को एक साथ ले लें तो हम कहेंगे मोनोफाइलेटिक, किसी को अगर हमने पराया कर देना है तो इसे हम कहेंगे पैराफाइलेटिक, और दो अलग अलग एंसेस्टर के ग्रुप एक में पर में आ जाए तो हम इसे कहेंगे पॉलीफाइलेटिक। तो हमें पूछा क्या है, तो ग्रुप ऑफ एंसेस्टर या ग्रुप विच आर इवॉल्व फ्रॉम मोर देन वन एंसेस्टर मतलब अलग अलग एंसेस्टर से अगर वो आ रहे हैं तो इसे हम कहेंगे पॉलीफाइलेटिक। सो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल एनिमल। अगर हम सिमेट्रिकल एनिमल देखें, सिमेट्रिकल मतलब अगर हम एक चीज़ के कितने भी टुकड़े करें तो हमें सेम दो पार्ट्स मिलेंगे, उसे हम कहेंगे सिमेट्री। तो सिमेट्री हमें पता है सिमेट्रिकल एनिमल्स कौन है, दैट इज स्पॉन्जेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइसमैन प्रपोज द थ्योरी ऑफ, वाइसमैन ने कौन सी थ्योरी प्रपोज की थी। तो पहले तो हमें यह पता है वाइसमैन ने कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म ये थ्योरी प्रपोज की थी। तो व्हाट इज़ एग्जैक्टली द जर्म प्लाज्म और इस थ्योरी में उसने क्या बोला था। जो भी चीज़ें अगर हम इंडिविजुअल में वो चीज़ें चेंज हो रही है, वो जीन लेवल पे चेंज हो रही है, तो वो अब उसके एंसेस्टर में भी पास होगी। ये बोला था कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। अगर चीज़ें चेंज हो रही है सोमैटिक सेल्स में तो वो चीज़ें अगले इंडिविजुअल में या उसके ऑस्प्रिंग्स में फॉरवर्ड नहीं होगी। अगर वो चीज़ें उसके जर्म सेल्स में चेंज हो रही है तो वो डेफिनेटली उसके ऑस्प्रिंग्स में भी आएगी, ये बोला था वाइसमैन ने। सो कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म ये थ्योरी दी थी वाइसमैन। टाइप ऑफ माइग्रेशन वेयर मराइन फिश माइग्रेट टू द फ्रेश वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज ए एंड्रोमस। सो इसे एंड्रोमस कहते हैं। ऐसे फिश जो पहले फ्रेश वाटर में रहते थे फिर वो मराइन वाटर में जाते हैं और फिर से वो फ्रेश वाटर में आते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, उसे हम कहते हैं एंड्रोमस। ठीक है, सो यस, दिस इज़ एंड ऑफ द सेशन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ये बता सकते हैं।
मैं और 2021 के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो महाराष्ट्र सेट में आए थे, और कुछ अलग सब्जेक्ट के साथ मैं अब आऊँगी। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहा है। आई एम अपूर्वा नाइक साइनिंग ऑफ देयर। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच डियर।